दोस्तों आज हम पाव मसाला बनाएंगे। इस मसाले के अंदर हम कोई भी सब्जी डाल के बच्चों को आराम से खिला सकते हैं, बच्चे भी खुश होके खाएंगे। पाव मसाला बच्चे और बड़ों को सभी को पसंद है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और संतोषी माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, 3 चम्मच घी डालूंगी। आप घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हो, तेल भी यूज कर सकते हो। घी हमारा गर्म हो गया है, मैं थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। हमारा जीरा सौंफ हींग अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च, ये मैंने 2 हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन को छील के मैंने मोटा मोटा पीस लिया था इसको, अब मैं ये डालूंगी। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने ये के मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको भी मैंने काट लिया है, अब मैं वो इसमें डाल रही हूँ। प्याज को भी हम अच्छे से सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हमारे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें सब्जी ऐड करूंगी। ये मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने काट लिया है, अब वो इसमें डाल रही हूँ। 2 बड़े टमाटर लिए थे, इसको भी मैंने काट लिया है, वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने फूल गोभी ली और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। सब्जी आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पकाऊंगी। हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप आमचूर भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक के 15-20 मिनट पकाएंगे। हमारी सब्जी को पकते हुए 20 मिनट हो गया है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बार बार चलाते हुए पकाया है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारी सब्जी नीचे लग जाएगी। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी अपने मसाला को चटपटा बनाने के लिए, और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया पत्ता है तो आप हरा धनिया पत्ता भी ऊपर डाल सकते हो। मैं मसाले को थोड़ा सा इससे दबाऊंगी ताकि हमारा मसाला पाव में से न निकले। तो दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और ठंडा कर देती हूँ। ये हमारा पाव का मसाला तैयार हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ जब तक हम अपने पाव तैयार कर लेते हैं। गैस पर मैंने तवा रख दिया है पाव सेकने के लिए। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बटर या ऑयल भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर। अब मैं पाव को काटूंगी। देखिए, हम पाव को ऐसे काटेंगे 2 हिस्सों में, हम पूरे पाव को नहीं काटेंगे, ऐसे करके हम पूरे पाव सेकेंगे। अब हम इनको अच्छे से सेकेंगे। पाव हमारे एक साइड सेके हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और घी डाल के दूसरी साइड इसको पलटी करके सेकेंगे। ऐसे करके बाकी बचे हुए पाव भी हम सेक लेंगे। हमारे पाव सेके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये हमारे पाव सेक के तैयार हो गए हैं।
ये हमारे पाव और मसाला बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं मसाला को पाव में भरूंगी। ये मैंने एक पाव लिया है, पहले हम इसके ऊपर टमाटो सॉस लगाएंगे और फिर जो हमने मसाला रेडी किया था अभी मैं वो मसाला डालूंगी। मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको बंद करके रखेंगे। ये हमारे पाव मसाले तैयार हो जाएंगे। ऐसे करके मैं बाकी और भर लेती हूँ। मसाले पाव बनके तैयार हो गए हैं। हमारा मसाला पाव बनके तैयार हो गए हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको मसाला पाव कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।